सोनिया गांधी को कांग्रेस संसदीय दल का चेयरपर्सन चुना गया है। हमारे साथ इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस सांसद हैं। सर, जिस तरीके से सोनिया गांधी को एक बार फिर से चेयरपर्सन चुना गया, अंदर और क्या बातें हुई इस बारे में? देखिए, जो एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने प्रस्ताव रखा, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उसका समर्थन किया, नए जो सांसद चुन के आए हैं उन्होंने मेज थपथपा करके स्वागत किया, तो एक अच्छा लम्हा रहा। आदरणीय सोनिया जी फिर से संसदीय दल की नेता चुनी गई और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार हमारी संख्या भी बड़ी है और राज्यसभा हो या लोकसभा, हम मजबूती के साथ जनता के मुद्दों पर लड़ेंगे और आपको एक नई संसद, बदली हुई संसद जो जनता के मुद्दों पर, जनता के सरोकारों पर आगे बढ़ेगी, वो देखने को मिलेगी। बदली हुई संसद में क्या राहुल गांधी विपक्ष के नेता के रूप में देखने को मिलेंगे? आज CWC में ये प्रस्ताव रखा गया और मुझे पूरा विश्वास है कि राहुल जी पार्टी के नेताओं की, पार्टी के सांसदों की बात जरूर स्वीकार करेंगे। ओके, धन्यवाद। चलो भाई, रमन कुमार दिल्ली। हमारे साथ कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा हैं। दीपेंद्र हुड्डा साहब, जिस तरीके से सोनिया गांधी को एक बार फिर से चेयरपर्सन चुना गया, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, श्रीमती सोनिया गांधी जी का एक लंबा अनुभव रहा है, उनका उनके नेतृत्व, उनके मार्गदर्शन में कांग्रेस पार्टी अब देश जो है, मैं समझता हूँ, बहुत उतार चढ़ाव हमने देखे हैं और आज देश के विपक्ष को जो नैतिक बल मिला है इस मैंडेट के बाद, इस रूप से श्रीमती सोनिया गांधी जी कांग्रेस जो है CPP चेयरपर्सन के रूप में, कांग्रेस संसदीय दल के हमारे चेयरपर्सन के रूप में, मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में विपक्ष को एक दिशा देने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाएंगी और आज हमने कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में सर्वसम्मति से इस रूप से सोनिया जी को अपना चेयरपर्सन के रूप में चयनित करने, राहुल गांधी को लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में सारे सांसद देखना चाहते हैं, उसके बारे में कुछ बात करें? आज यही भावना है पूरे देश की, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की, तमाम विपक्ष की, उनसे उपयुक्त व्यक्ति नहीं है और जल्दी मैं लगता हूँ कि इस पर भी बहुत जल्दी कांग्रेस पार्टी निर्णय लेगी। आज कांग्रेस कार्य समिति में भी इस बात पे सर्वसम्मति से सबने ये सुझाव कांग्रेस अध्यक्ष के समक्ष रखा। धन्यवाद। तो दिन के वक्त में जहां एक्सटेंडेड कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई जिसमें राहुल गांधी को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग उठी है, वहीं शाम के वक्त में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में सोनिया गांधी को नेता चुना गया। एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल हम यहां रुकेंगे। खबरें जारी, आप देखते रहिए News 24। फिर गांव गांव मचो शोर, घर घर तक News 24। चुनाव में फ्री डिश पर News 24 ने Zee News आज तक, रिपब्लिक भारत न्यूज़।